हाय, इट्स निशा हियर। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे स्किन केयर वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है और ऐसा ही एक स्किन केयर प्रोडक्ट आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ। यह है डी कंस्ट्रक्ट क्लेरिंग सेरम 2% अल्फा आर्बुटिन प्लस 5% नायासिनामाइड। कार्टून पर भी लिखा हुआ है रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन इवन स्किन टोन। 30 ml का प्रोडक्ट है और इसकी MRP है 699 rupees। ये फ्रेग्रेंस फ्री है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है। मैं आपको लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ही छोटी सी है, सिंपल सी है। मुझे एक महीना से ऊपर हो गया है, मैं सीरम को हर रोज़ मॉर्निंग में अप्लाई करती हूँ रिलीजियसली, तो मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको पता चले मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये कैसा परफॉर्म करता है, मैंने इसको क्यों लिया था, मेरा फाइनल थॉट क्या है, सब कुछ। अल्फ़ा आर्बुटिन बेसिकली हमारे मेलानिन पर अटैक करता है, हमारे स्किन टैनिंग को रिमूव करता है, हमारे डार्क स्पॉट्स को फेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये बहुत ज़्यादा माइल्ड भी रहता है। तो जिसको भी विटामिन सी से एलर्जी होती है या प्रॉब्लम होती है, विटामिन सी यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो अल्फ़ा आर्बुटिन ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा माइल्ड रहता है। नायासिनामाइड पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को फेड करने में हेल्प करता है, यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेस से हमारी स्किन में जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे पोर्स को टाइट करता है, एक्ने रीअकरेंस को कंट्रोल करता है, एक्ने मार्क्स को फेड करने में हेल्प करता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये दोनों ही एक्टिव्स एक साथ मिलकर हमें क्लीन, क्लियर, ब्राइटर स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ब्राइटर से मेरा मतलब है कि जो भी हमारा नेचुरल स्किन शेड है, जो कि टैनिंग की वजह से, इम्प्योरिटीज़ की वजह से कहीं पर अंदर रह गया, ये उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने ये सीरम क्यों लिया था? मुझे यहाँ पर बहुत हैवी टेक्स्चर्स थे, बहुत ज़्यादा, और ये टेक्स्चर्स होते होते मुझे यहाँ तक आ चुके थे। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, होम रेमेडीज़ ट्राई किया, फिर एक्सफोलिएट किया, सब कुछ किया। इनफैक्ट बहुत बार मैं इस तरह से नेल से भी स्क्रैच करती थी, टॉवल से रब करती थी सो दैट ये चीज़ मेरी ठीक हो जाए, पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, वो वैसे का वैसा ही था। इनफैक्ट बढ़ते बढ़ते यहाँ तक वो आ चुका था। जब मैंने ये वाला सीरम देखा तो इस पर लिखा हुआ था क्लियरिंग सीरम और ये अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन टैनिंग, इन सब चीज़ों के साथ साथ ये टेक्सचर्स को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ऐसा लिखा हुआ था, क्लेम था। सो आई थॉट कि एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। तो ये आप मेरा बिफोर पिक देखिए, मैंने सिर्फ फेस वॉश के बाद इस पिक को क्लिक किया था, कितना हैवी टेक्सचर है ये। और अभी मैं आपको रिसेंट वाला वीडियो दिखा रही हूँ, इसको अप्लाई करने के बाद जो एक महीने का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगेन आफ्टर फेस वॉश है, मैंने कोई भी स्किन केयर नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं मुझे कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है, कितना फ़र्क पड़ा है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये कम्प्लीटली मेरा टेक्सचर जो है 100% क्लियर हो चुका है, लेकिन आई कैन से कि 99% मुझे इस चीज़ में आराम मिला है, बहुत थोड़ा सा रह गया और वो भी मैं श्योर हूँ कि इस सीरम को कम्प्लीट करते करते पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक्चुअल प्रोडक्ट, एकदम ट्रांसपेरेंट बॉटल है और इसमें कलर है, सीरम में कलरलेस सीरम नहीं है। तो आपने इसके टेक्सचर को देखा, बिल्कुल वाटर लाइक टेक्सचर है, एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी इसकी, ये इजीली स्प्रेड होता है और क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, मैं इसको जब अप्लाई करती हूँ तो ये इजीली स्प्रेड होता है पूरे फेस पर बहुत अच्छी तरह से और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है विद इन नो टाइम। स्टार्टिंग के 3-4 सेकेंड ये थोड़ा सा आपको स्टिकी लगेगा यहाँ पर, लेकिन उसके बाद ये तुरंत एब्जॉर्ब होने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्किन पर कुछ भी लगाया था। जब मैंने इतना अच्छा रिजल्ट देखा तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी सो दैट अगर आपकी ऐसी कोई स्किन इशू है जो कि आपने बहुत कुछ ट्राई किया है पर ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक बार इस सीरम को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पैश टेस्ट ज़रूर करिएगा बिकॉज कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट हमें डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, पैश टेस्ट इज़ अ मस्ट। So that's all for this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, if so then like, share, subscribe ज़रूर करिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है feel free to ask me in the comment section. We'll see you soon. Till then, bye.